छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अपर्णा मौजम। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी पुष्पेंद्र दीक्षित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को डबरा के उदलपाड़ा गांव से अरेस्ट किया गया है। आरोपी से 5 मोबाइल और कई सिम बरामद किए गए। बता दें कि आरोपी केंद्रीय मंत्री का हवाला देकर अफसरों का ट्रांसफर करवाता था। वो खुद को केंद्रीय मंत्री का निजी सचिव बताता था। आरोपी ने एमपी के डीजीपी से टीआई के ट्रांसफर के लिए एमएसजी किए थे। आईजी ने दोनों ही टीआई को भी निलंबित कर दिया है। पुलिस आरोपी पुष्पेंद्र दीक्षित से पूछताछ कर रही है। बता दें दिसंबर 2016 में भी आरोपी पुष्पेंद्र ने विदेश मंत्रालय के फर्जी पत्र के आधार पर बीएसएफ कर्मचारियों का ट्रांसफर कराया था। खुलासा होने पर आरोपी पुष्पेंद्र दीक्षित पर दिल्ली में केस दर्ज हुआ था। वो अपनी आईडी पर हाई प्रोफाइल व्यक्तियों के साथ फोटो लगाकर झांसा देता था। तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी पुष्पेंद्र दीक्षित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सुशील हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुशील, गिरफ्तारी हो गई है पुष्पेंद्र दीक्षित की? बिल्कुल, देखिए पुष्पेंद्र दीक्षित की गिरफ्तारी की गई है, जो ग्वालियर जिले के डबरा टेकनपुर के पास गाँव के रहने वाले उदलपाड़ा के। और इन पर ये आरोप है कि इन्होंने जो केंद्रीय मंत्री है गिरिराज सिंह, उनका पीए बताकर मध्य प्रदेश के डीजीपी को मैसेज किया था, जिसमें 2 टीआईओ के ट्रांसफर के लिए उन्होंने मैसेज किया था। और उन्होंने बताया था कि केंद्रीय मंत्री खुद इस बात को चाहते कि इन टीआईओ का ट्रांसफर हो। इसी मैसेज के बाद जो है पुलिस हरकत में आई थी, और जब जांच की गई तो पता चला कि ये शख्स पुष्पेंद्र दीक्षित है जो इस तरह के मैसेज कर रहा है, और इससे पहले भी इसका इस तरह का रिकॉर्ड था। पुलिस ने तत्काल इसे दिल्ली से कंफर्मेशन करने के बाद केंद्रीय मंत्री के यहाँ से, उसके बाद पुलिस ने जाल बिछाकर इसे गिरफ्तार कर लिया टेकनपुर के पास से, और इससे पूछताछ की जा रही है। आपको ये बता दे कि पुष्पेंद्र दीक्षित जो है अपने आप को बड़ा प्रख्यात संत भी बताता है, और कई हाई प्रोफाइल लोगों के साथ ये फोटो पोस्ट करता रहता अपनी आईडी पे। एक और जानकारी ये मिली कि साल 2016 में इसने विदेश मंत्रालय से भी एक लेटर लिखवाया था, जारी करवाया था, जिसमें बीएसएफ के अधिकारियों को लेटर जारी करवा के उसमें बीएसएफ के 3 जो कांस्टेबल है उनका ट्रांसफर कराने के लिए इसने लेटर फर्जी तरीके से लिखा था विदेश मंत्रालय की तरफ से। उस मामले में भी जब बीएसएफ की तरफ से विदेश मंत्रालय को जानकारी दी गई थी, तो पुष्पेंद्र दीक्षित के खिलाफ दिल्ली में 2016 में फर्जीवाड़े सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज हुआ था। तो निश्चित तौर पर अब इसके पास से जो 5 मोबाइल बरामद हुए हैं मध्य प्रदेश पुलिस को, उन मोबाइलों की जांच की जा रही है, और आशंका यही है कि इसने मध्य प्रदेश के साथ ही देश के और कई इलाकों में भी इस तरह की ठगी की घटना को अंजाम दिया होगा, ऐसी आशंका, और इसी के चलते पुलिस इसको रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। बहुत धन्यवाद सुशील आपका इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं अनूपपुर में बैगा जनजातीय क्षेत्रों में डायरिया का कहर जारी है। सालार गोंडी गांव में डायरिया के चलते एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। परिवार के 4 अन्य गंभीर रूप से बीमार हैं और जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। 2 दिन के अंदर मां, बेटा, बहू और 8 महीने के गर्भस्थ शिशु की मौत के बाद परिवार और आस पड़ोस के लोग बेहद सदमे में है। परिवार के मुताबिक सभी लोग उल्टी दस्त से पीड़ित थे, लेकिन स्वास्थ्य विभाग अपना पल्ला झाड़ रहा है। माने रात में खत्म हुआ, वो शाम के खत्म हुआ है, वो करीब 9 बजे करीब। इसके बाद और कौन खत्म हुआ? उसके बहू रहा, वो भी खत्म हो गया। एक दिन बाद खत्म हुई? वो मान ले कि एक दिन बाद वो भी मान ले कि दूसरा तीसरा दिन। ये जो 4 हाँ, तीसरा लोग दिन खत्म हुए हैं, ये सभी उल्टी दस्त से। इलाज की करपा में तो है, बाकी वहाँ डॉक्टर नहीं रहते हैं, और सरीपत्र से लगभग 2-3 किलोमीटर की दूरी है, और डॉक्टर के अभाव के कारण जो है उन्हें यहाँ से शहडोल जाना पड़ता है, कहीं राजनीग्राम अनूपपुर, तो इसी के अभाव में जो है यहाँ पर घटना हुआ है। पानी नहीं, ऐसा उल्टी दस्त का तो शिकायत नहीं है, उसमें जरूर जो है जो माखन है उसको बता रहे हैं कि उसको बीमार था, इसके बाद उसकी मौत हुई, इसके बाद उसकी मदर को भी कुछ समस्या था, पेट में दर्द की शिकायत या उल्टी थी, लेकिन क्लियर कट उल्टी दस्त का उसके परिजन नहीं बता रहे हैं। इसके बाद उसकी मौत होने के बाद उसके क्रियाक्रम में शामिल होने की उसकी बहू आई, उसको भी कुछ परेशानी हुआ होगा, फिर उसको परिजन दूसरे दिन अपने हॉस्पिटल में लेके आए, तो वहाँ पर बताया गया कि उसकी मौत हो गई।
रवि ओझा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रवि, ये तो गंभीर मामला है, चार लोगों की मौत हो गई एक ही परिवार के, और स्वास्थ्य महकमा पल्ला झाड़ रहा है। जी निश्चित ही मैम, ये बड़ी लापरवाही तो हम कह ही सकते हैं, क्योंकि ये डायरिया जैसी बीमारी, ये गंदगी गंदे पानी की वजह से इस प्रकार की बीमारियां होती हैं। ये निश्चित ही अगर स्वास्थ्य विभाग समय पर रहते कैंप जैसे लगाकर या छोटे छोटे कैंप लगाकर या लोगों को जानकारी देकर या समय रहते अगर इस विषय पर ध्यान देते तो निश्चित ही कि उस परिवार का जो हस्ता खेलता परिवार का जो चार लोगों का जो जान गंवानी पड़ी वो निश्चित ही उनकी जान शायद बचाई जा सकती थी। लेकिन हम पूरी तरीके से ये मान के चले कि स्वास्थ्य विभाग की लगातार लापरवाही के कारण ही ये ऐसा दिन देखने को मिल रहा है। जी धन्यवाद रवि ओझा आपका इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव बालाघाट पहुंचे, जहां वो इतवारी बाजार स्थित कृषि उपज मंडी में रक्षाबंधन और सावन उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री जबलपुर से सड़क मार्ग से बालाघाट पहुंचे, इस दौरान सीएम ने लाडली बहनों से राखी बंधवाई। लाडली बहनों ने सीएम को प्रतीकात्मक रूप में 51 फीट की राखी भेंट की। बहनों को लेकर होने वाले उद्योग धंधे, जिनमें अलग से बहनों को भी रोजगार मिले, उनकी भी आय का साधन बढ़े, हमने तय किया है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, एमएसएमई, इन सबको मिला करके और हॉर्टिकल्चर की भी बहनों ने बहुत अच्छा प्रयोग किया है। ये रोजगार बढ़ाने वाले सारे संसाधनों के लिए, और मधुबिया हम सब मिलकर के विकास के मामले में अब चुनाव हो गए, सारे विधायक, सारे सांसद, सारे दल मिलकर के केवल एक ही एंगल पे चलेंगे, विकास विकास विकास, विकास के अलावा कोई बात नहीं होगी। वहीं राज्यसभा में आज मध्य प्रदेश के दो पूर्व मुख्यमंत्री आमने सामने आ गए। कांग्रेस ने किसानों का मुद्दा उठाया, इस पर केंद्र कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भड़क गए और सदन में बोले कि मैंने कहा था कि मुझे छेड़ोगे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। कांग्रेस की सरकारों में अलग अलग राज्यों में किसानों पर गोली चलाई गई, तो वहीं बाद में दिग्विजय सिंह ने भी पलटवार किया और कहा कि देश के कृषि मंत्री को झूठ बोलने की आदत है। सभापति महोदय, मैंने कहा था मुझे छेड़ो मत, अगर छेड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं। ये किसान गोलियों की बात कर रही है माननीय सभापति महोदय। इस कांग्रेस की सरकार जब इनकी थी, अलग अलग राज्यों में गोली चलने की बात करते हैं, इनके साथ ये दिग्विजय सिंह जी बैठे, खून से हाथ इनके सने, 24-24 किसानों को मारा। माननीय कृषि मंत्री जी को मैं वर्षों से जानता हूं, वो एक आदत से लाचार है, झूठ बोलने के आदि है। मध्य प्रदेश में थक गया, लेकिन अब वो केंद्र के कृषि मंत्री हैं। कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किसानों का लगभग 37 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। इंदौर नगर निगम में करोड़ों के घोटाले को लेकर ईडी ने 18 से ज्यादा जगहों पर छापा मारा है। ऑडिट अकाउंट्स विभाग के कर्मचारियों के अलावा नगर निगम के ठेकेदारों के ठिकानों पर छापेमारी की गई। फर्जी बिल और ड्रेनेज घोटाले को लेकर ईडी ने कई दस्तावेज जब्त किए हैं, साथ ही बैंक खाते और ट्रांजेक्शन की भी जानकारी जुटाई है। ड्रेनेज बिल घोटाले की राशि 100 करोड़ से ज्यादा की बताई जा रही है। आरोप है कि 8 से ज्यादा ठेकेदारों ने बिना काम किए फर्जी बिल लगाकर नगर निगम से भुगतान लिया। घोटाले में ऑडिट और लेखा विभाग के कर्मियों की मिलीभगत भी सामने आई है। मेरे को जानकारी लगी है, कोई पहले यहाँ जो अधिकारी कर्मचारी थे उनके ईडी ने छापा मारा है, ये अच्छा है। और ऐसे जितने भ्रष्ट लोग हैं उनकी शिकायत मैंने की है, जो नहीं हुए उनके यहाँ भी तुरंत छापा पड़ना चाहिए। इंदौर के पुलिस कमिश्नरी में रोते गिड़गिड़ाते थाना प्रभारी का वीडियो सामने आया, जिसमें टीआई के द्वारा ट्रांसफर को लेकर गुहार लगाई जा रही है। टीआई वीडियो में कह रहा है कि या तो ट्रांसफर करवा दो या फिर गोली मार। हीरानगर थाने में दो बदमाश पुराने अपराध में पेश होने के लिए बेसबॉल के साथ पहुंचा, एक रील बनाई, उस पर वो काफी वायरल भी हो गई। टीआई ने उस पर एक्शन लिया, लेकिन ये जो लोग पहुंचे हुए हैं वो इस एक्शन से खुश नहीं।
हमने जो रील बनाई है उसके लिए हम कान पकड़कर माफी मांगते हैं, भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। हमने जो रील बनाई है उसके लिए हम कान पकड़कर माफी मांगते हैं, भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। हमने जो रील बनाई है उसके लिए हम कान पकड़कर माफी मांगते हैं, भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। एमपी के दुग्ध उत्पादक किसानों के लिए खुशखबरी है। प्रदेश सरकार उन्हें ₹5 प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि देने की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि अगली कैबिनेट में सरकार इसका प्रस्ताव भी ला सकती है। सहकारी दुग्ध समिति से जुड़े उत्पादकों को इसका फायदा मिलेगा। बता दें कि एमपी सरकार वर्तमान साल को गौरक्षा वर्ष के रूप में मना रही है और महाराष्ट्र, झारखंड, असम, राजस्थान सरकार भी दुग्ध उत्पादक किसानों को प्रोत्साहन राशि देते हैं। पशुपालन मंत्री लखन पटेल की माने तो प्रदेश में फसल उत्पादन अपनी अधिकतम सीमा पर है। ऐसे में किसानों को फायदा देने के लिए सरकार जल्द ही उन्हें प्रोत्साहन राशि देना शुरू करेगी। तो वहीं उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में कम किसान ही सहकारी समिति से जुड़े हैं और इनकी संख्या बढ़ाने के लिए सहकारी दुग्ध संघ के सेंटर्स बढ़ाए जाएंगे। हमारे माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने भी घोषणा की थी कि जितने भी सहकारी समिति हमारे दुग्ध संघ से जुड़े हुए किसान हैं वो जितना भी दूध देंगे उनको ₹5 लीटर की सब्सिडी के रूप में, उनको प्रोत्साहन राशि के रूप में उनको दिया जाएगा। जिससे कि जैसे आप समझ लीजिए, एक गाय अगर 8 लीटर दूध देती है तो ₹40 उसको अतिरिक्त मिलेगा उसका, तो उससे किसानों को निश्चित रूप से फायदा होगा। दुग्ध उत्पादक किसानों को ₹5 प्रोत्साहन राशि देने पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल की माने तो लंबे समय से भोपाल दुग्ध संघ के चुनाव नहीं हुए हैं। ऐसे में दुग्ध उत्पादक दूध की कीमत ही नहीं तय कर पा रहे हैं और महज 15% किसान ही इससे लाभान्वित होंगे। उनकी माने तो 85% किसान को इसका लाभ ही नहीं मिल पाएगा। जो डेयरियों से किसान जुड़े हुए थे आज धीरे धीरे कम होते गए, अब मात्र 15% लोग सरकारी डेयरी से जुड़े हुए हैं। पहले इनकी संख्या लगभग 70-80% थी। ये संख्या कम क्यों हुई? ये आपकी नीतियों के कारण हुई है। जो पिछले 15 सालों में आपने दुग्ध किसानों के साथ अन्याय, अत्याचार किया और भेदभाव किया, उसका परिणाम है। अगर आप सही दाम देते, समय पे चुनाव करवाते, समय से प्रबंधन करते तो निश्चित रूप से 70-80% लोग सरकारी समितियों से जुड़े होते। लेकिन आज जो जुड़े नहीं हुए, अगर ये फायदा होगा तो मात्र 15% लोगों का फायदा होगा, बाकी 85% किसानों को फायदा नहीं मिल पाएगा। मेरा तो आपसे गुजारिश है, सबसे पहले चुनाव कराएं ताकि जो समितियां हैं उनको वाजिब उनका हक मिल सके। ग्वालियर में 3 महिलाओं ने अजीबोगरीब हरकत की है। महिलाओं ने एक मंदिर में शिवलिंग को ईंटों से चुनवा दिया। ईंटों से चुनवाने के बाद रेलिंग में करंट और बाहर ताला लगा दिया। मंदिर में दर्शन करने आए स्थानीय लोगों ने ऐसा देखकर हंगामा किया और पुलिस को सूचना दी। हंगामा के बाद तीनों महिलाओं के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। 2 को हिरासत में भी लिया। हिरासत में ली गई महिला ने बताया कि शिव भगवान ने दर्शन देकर ऐसा करने के लिए कहा था, जबकि इस मामले में एक महिला फरार। और सरिता नाम की 3 महिला पूजा करती थी, उनके द्वारा आज एक 2 शिवलिंग थे वहाँ पर, दोनों शिवलिंगों को एक के ऊपर एक रख के एक नए शिवलिंग का निर्माण कर दिया उन्होंने। जब लोगों को सुबह मालूम पड़ा तो लोगों ने फिर पुलिस को खबर की, हम लोग गए वहाँ पर, मौका देखा और वापस उसको जो पुराने स्वरूप में थे उसमें वापस करवाया। और इनकी जो महिलाएँ, इनके द्वारा जो किया गया उनके खिलाफ अपराध पंजीकृत किया है। नरसिंहपुर में प्रशासन ने बेसमेंट पर बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने गाडरवारा में बेसमेंट में चल रहे स्टडी सेंटर और एक अस्पताल पर छापा मारा। प्रशासन ने स्टडी सेंटर को सील करने की कार्रवाई की। प्रशासन को गाडरवारा में बेसमेंट में चल रहा ज्योति अस्पताल मिला। बेसमेंट में चल रहे अस्पताल के कमरों को बंद करने की हिदायत दी। शक्कर नदी के पास चल रहे अस्पताल में बाढ़ का खतरा हो सकता है, गाडरवारा के राजस्व और नगर पालिका विभाग ने हिदायत दी है। इस संदर्भ में जैसे ही हमको सूचना प्राप्त हुई कि एक भवन में बेसमेंट में शैक्षणिक गतिविधियां संचालित की जा रही है, इसके पश्चात हमने तत्काल जो है संबंधित एडजेम मैडम को और तहसीलदार मैडम को सूचित किया और उसके बाद हमने कार्रवाई करी। सूचना मिली थी कि बेसमेंट में यहाँ पर लाइब्रेरी चल रही है स्टडी हब के नाम से, तो इसी के चेकिंग के लिए आए थे साथ में CMO के। हम साथ में यहाँ पे पता चला कि हर्षित मेहरा के द्वारा यहाँ पर स्टडी हब पर
लाइब्रेरी चलाया जा रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में दुर्घटना भी घटी है दिल्ली में बेसमेंट में पानी भरने के कारण। इसके लिए क्या कोई राज्य शासन या केंद्र शासन का कोई आदेश है क्या? केंद्र शासन का नहीं, मगर जिला स्तर से आदेश है कि बेसमेंट में ऐसा कोई भी कमर्शियल यूज नहीं होना है। रतलाम में एक बार फिर जिला प्रशासन का अमला मदरसों की जांच करने पहुंचा। प्रशासन ने विरियाखेड़ी में मदरसे की जांच की तो पता चला कि यह मदरसा बिना अनुमति के ही संचालित हो रहा है। इस मदरसे में 44 बच्चियां पढ़ रही हैं। रतलाम में मदरसों की जांच करने के लिए रतलाम का जिला प्रशासन लगातार अब सड़कों पर उतरा है। रतलाम के विरियाखेड़ी स्थित एक मदरसे पे जिला प्रशासन की टीम पहुंची है, साथ ही साथ महिला बाल विकास के अधिकारी है। आधा दर्जन से ज़्यादा अधिकारी यहां पर जांच कर रहे हैं। 44 बच्चियां यहां पे इस मदरसे में दर्ज हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के साथ साथ ही उत्तर प्रदेश की बच्चियाँ भी इसी मदरसे में यहाँ पर जो धर्म की शिक्षा है वो ले रही हैं। और ये महिला बाल विकास के अधिकारी हैं जो कि पूछताछ कर रहे हैं। और ये देखिए, ये पूरा प्रमाइस है, यहाँ पर जो ये जो बच्चियाँ हैं वो यहाँ पर रहती है और ये इस कमरे में भी जो है यहाँ पे जांच कर रही है। कुछ केयर टेकर यहाँ पे मौजूद है जो इन बच्चियों का देखरेख करते हैं, महिला बाल विकास के अधिकारी है। और ये देखिए लगातार जांच कर रहे हैं यहाँ पे, इनसे चर्चा भी कर लेते हैं। सर कितनी बच्चियाँ यहाँ पे दर्ज है और कहाँ कहाँ की बच्चियाँ? बच्ची हैं जिनका एडमिशन यहाँ पे और स्कूल में हमने करा रखा है, लेकिन पूरे बच्चों के डॉक्यूमेंट्स हम अभी जमा नहीं करा पाएँ क्योंकि कुछ स्कूलों से उनके रिजल्ट वगैरह नहीं मिल पाए, इसके वजह से जो है वो अधूरा। परमिशन की क्या स्थिति है? हमारे पास नहीं, हमने उज्जैन डाल रखी है, फाइल चल रही है। और क्या नाम उनका जी, हाँ बोलिए, क्या नाम इनको फाइल दे रखी है? इमरान सर वकील हैं, उनको फाइल दे रखी है, आप उनसे मालूमात कर सकते हैं। कितने रूम है यहाँ पे रहने की व्यवस्था? रूम है टोटल। केयर टेकर कौन है, महिला है पुरुष है? बच्चों के लिए 5 रूम है, 2 एक टीचर के लिए हैं। केयर टेकर कौन है? आप यही रहते, साथ में रहते हैं? यहीं पर रहता हूँ, बच्चियाँ ऊपर रहती हैं, मैं यहाँ पर रहता हूँ। क्या नाम है आपका? शाहिद रजा। पद क्या है आपका? मैं कारी हूँ पद से, उर्दू। तो शहीद रजा साहब बता रहे हैं कि परमिशन अभी नहीं है, परमिशन अंडर प्रोसेस है, उसके बावजूद 40 बच्चियाँ यहाँ पर रजिस्टर्ड है जो कि यहाँ पर धर्म की शिक्षा ले रही है। न्यूज 18 रतलाम। जबलपुर में नगर निगम ने जर्जर इमारतों को चिन्हित कर उन्हें तोड़ने की मुहिम तेज कर दी है। नगर निगम क्षेत्र में करीब 65 मकान चिन्हित किए गए जो जर्जर और काफी पुराने हैं। इनमें से अधिकतर मकान खाली पड़े हैं जिनके मालिक अब दूसरी जगहों पर रह रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने जर्जर मकान नहीं तोड़े। नगर निगम अतिक्रमण दल के प्रभारी सागर बोरकर ने बताया कि चिन्हित किए गए 65 जर्जर मकानों में से 21 मकान तोड़े जा चुके हैं और बाकी मकानों को भी सावधानी के साथ तोड़ा जा रहा है। लगातार हो रही बारिश के कारण कहीं जल भराव की स्थिति है तो कहीं जर्जर मकान ढह रहे हैं। जबलपुर में ऐसी 3 घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें जर्जर मकान ढहने से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि नगर निगम द्वारा जर्जर भवनों को चिन्हित किया गया और उन्हें तोड़ने की कार्रवाई की गई। इस वक्त हम जबलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत साठिया कुआं में मौजूद हैं, जहां पर ये सोनी परिवार का एक मकान है जो काफ़ी पुराना है और जर्जर हो चुका है। अंदर की तस्वीरें भी मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से इस मकान की स्थिति हो चुकी है। हालांकि यहां आसपास में और भी लोग रह रहे हैं जो बेहद रिस्क में रह रहे हैं, और प्रशासन ने जब यह मकान चिन्हित किया तो इन्हें नोटिस भी दिया ताकि वो अपना मकान खुद तोड़ लें, लेकिन सक्रिय जगह होने के कारण, संसाधनों की कमी के कारण यह कार्रवाई नहीं हो पाई। फिलहाल प्रशासन के द्वारा अब जो है नगर निगम ने अतिक्रमण दल बुलाकर और उसके साथ में ये कार्रवाई शुरू की है, जिसके बाद अब ये जर्जर भवन तोड़ने की कार्रवाई अभी चल रही है और इस भवन के टूटने के बाद निश्चित ही आसपास के लोगों को भी राहत मिलेगी। बहरहाल जबलपुर में नगर निगम ने तकरीबन 65 ऐसे जर्जर मकान चिन्हित किए हैं जो बेहद बुरी स्थिति में है और कभी भी ढह सकते हैं। इनमें से 21 मकानों को अभी तक तोड़ा जा चुका है, बाकी कार्रवाई अभी लगातार जारी है। पवन पटेल, न्यूज 18 जबलपुर। देखिए, जो नगर निगम के द्वारा जितने भी भवन चिन्हित किए गए हैं जो जर्जर हो चुके हैं उसमें टीम काम कर रही है। अभी तक 65 जो टोटल जर्जर भवन है वो हमने चिन्हित कर चुके हैं, भवन शाखा से चिन्हित हो चुके हैं। इसके बाद इनमें हटाने की भी कार्रवाई की जा रही है, लगातार भवन हट रहे हैं, आज भी भवन हट रहा है जर्जर भवन।
सावन के तीसरे सोमवार पर उज्जैन में महाकाल की सवारी निकाली गई। सवारी में महाकाल चांदी की पालकी में चंद्र मौलेश्वर तो हाथी पर मन महेश के स्वरूप में विराजित रहे। इस दौरान हजारों की संख्या में मौजूद श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए और खुद को धन्य किया। महाकाल मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। तो तीसरे सोमवार को उज्जैन में भक्त उत्साह, उमंग और भक्ति से लबरेज दिखे माहौल और तब अद्भुत हो गया जब 1500 डमरू वादक भस्म आरती की धुन पर डमरू बजाते नजर आए और उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। सावन के तीसरे सोमवार पर खंडवा और सीहोर में भी यात्रा निकाली गई। खंडवा के ओंकारेश्वर में सावन के तीसरे सोमवार पर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखा गया। ग्वालियर शहर के जू से खुशखबरी आई है। मादा टाइगर मीरा ने 3 शावकों को जन्म दिया है। इनमें 2 सफेद और 1 पीला शावक है। ग्वालियर चिड़ियाघर देश का पहला चिड़ियाघर बन गया है जहां टाइगर की कुल संख्या 12 हो गई। इनमें 5 सफेद और 7 रॉयल बंगाल टाइगर हैं। इसके साथ ही 28 जून को चिड़ियाघर में मादा टाइगर दुर्गा ने 3 शावकों को जन्म दिया था। आइए देखते हैं टॉप 20। बड़वानी में नगर पालिका पार्षदों का अनोखा प्रदर्शन।